नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव की खास पेशकश। खबरें शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की इन हेडलाइंस पर। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर व्यक्ति ने की प्रेमिका की पति की हत्या, शव को घर में दफनाया। रांची से किडनैप करके युवक को बिहार ले गए सात बदमाश। विवाहिता महिला की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अब खबरें विस्तार से। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर व्यक्ति ने प्रेमिका की पति की हत्या, शव को घर में दफनाया। हरियाणा में एक व्यक्ति ने प्रेमिका के पति को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। मृतकों को आरोपी और पत्नी के अवैध संबंधों को पता चलने के बाद वह पैसों के लिए लगातार आरोपी को ब्लैकमेल कर रहा था। हरियाणा के पानीपत जिले के पट्टी कल्याण गांव में एक व्यक्ति प्रेमिका के पति की हत्या कर शव को गड्ढा खोद कर उसमें दफना दिया और उसका पक्का फर्श बनवा दिया। मामले का खुलासा बीते रविवार को तब हुआ जब आरोपी ने इस हत्या की सूचना अपने बड़े भाई सरपंच को बताई, जिसके बाद आरोपी ने सरपंच भाई की हत्या की सूचना को पुलिस को दी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी की हत्या से संबंध में पूछताछ की ड्यूटी। मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फर्श को उखड़वाया, जहां आरोपी ने हत्या के बाद शव को दफनाया था। पुलिस ने इस दौरान पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी करवाई। आरोपी के जरिए पुलिस की दिए बयान के अनुसार शव को उसी जगह से बरामद कर लिया गया जहां उसने दफनाया था। फिलहाल पुलिस ने हत्या में मृतक रवि उम्र 35 साल के शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। मृतक रवि के बड़े भाई रजत ने बीते दिनों पुलिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मृत करवाई थी। पुलिस को दी शिकायत में मृतक के बड़े भाई ने बताया था कि उसके छोटा भाई ड्राइवर है। 11 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे वह घर से मां को बताकर गया था वही इको गाड़ी लेने के लिए जा रहा है, जिसके बाद वह लापता हो गया। परिजनों ने गांव की ही सरपंच मुकेश पहलवान के छोटे भाई प्रवीण उर्फ पिन्ना मामले की हत्या के आरोपी बताया है। रांची से किडनैप करके युवक को बिहार ले गए सात बदमाश। फिरौती की मांग के बीच पुलिस ने बांका से किया बरामद। बिहार में एक बार फिर अपहरण की एक घटना चर्चे में। इस बार अपराधियों ने एक युवक को झारखंड से अगवा किया। रविशंकर प्रसाद उर्फ राहुल कुमार वर्मा का अपहरण बदमाशों की रांची से किया है, जिसके बाद 9 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। रांची पुलिस ने जांच के क्रम में पाया कि युवक को अगवा करके बिहार ले गया, जिसके बाद रांची पुलिस छापेमारी के लिए बिहार पहुंची। इस संबंध में थाना अध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि अपहरणकर्ता ने गत दिनों फिरौती के लिए रांची के बरियातू थाना अंतर्गत के सिंह के आवास समीप एक व्यक्ति का अपहरण किया था। अपहृत व्यक्ति का ग्राम मुदला बिहार थाना चंडी जिला नालंदा के निवासी राजनंदन सिंह का पुत्र रविशंकर उर्फ राहुल कुमार वर्मा है। विवाहिता महिला की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मामले में मृतका महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गढ़ीपुख्ता निवासी 25 वर्षीय महिला नसीमा का निकाह 3 वर्ष पूर्व कब्जे के मोहल्ला खेल निवासी आसिम के साथ हुआ था। बीते रविवार की रात महिला की बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष के लोगों ने मृतका महिला के परिजनों को मौत होने की सूचना की देकर मौके पर बुला लिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता नसीमा की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मामले की कार्रवाई की मांग लेकर स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी और आरोप है कि काफ़ी देर बाद भी पुलिस मौके पर न पहुंचने पर परिजनों ने SSP शामली अभिषेक को घटना की सूचना दी, जिसके चलते SSP स्थानीय पुलिस को मामले को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। महिला की मौत से परिजनों में कोहरम मचा हुआ है। थाना प्रभारी निरीक्षक श्यामवीर सिंह का कहना है कि घटना के संबंध में मृतका की महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाएगा। परिजनों की तहरीर मिलने पर अभियोग दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।